हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल में सबसे ज़्यादा एक वर्ड यूज़ होता है कंटामिनेशन और क्रॉस कंटामिनेशन। फ्रेंड्स, मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि कंटामिनेशन क्या होता है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉस कंटामिनेशन की। फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही कम टाइम में, यानी बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, मैं आपको इसके बारे में बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकूं। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा मोटो एक ही रहता है कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आपके कम से कम टाइम में मैं आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात आपके सामने रखूं, और फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड आप जो समझना चाहते हैं उसको प्रॉपर आपको समझा सकूं। तो चलिए, हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस कंटामिनेशन। फ्रेंड्स, कंटामिनेशन या क्रॉस कंटामिनेशन होने के सबसे बिगेस्ट दो रीजन रहते हैं। फर्स्ट रहता है आपका ह्यूमन, और सेकंड रहता है ईयर। तो फ्रेंड्स, ईयर पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ईयर लॉक लगा के। अब जब मैं बात ईयर लॉक की करूँ, सो प्लीज़ आप ईयर कटर के बारे में ना सोचा करें, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से पर्सन्स हैं। अगर मैं एयरलॉक की बात करूँ तो आपका ध्यान पहले एयर कटर पे जाता है, कि जब आप अपनी इंडस्ट्री या अपनी फैसिलिटी में एंटर करते हैं तो उसके मेन डोर पर एक एयर ब्लोअर लगा रहता है। जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे, एयर ब्लोअर बहुत स्पीड से हवा देगा, तो वो एयर कटर नहीं है, उसको एयर ब्लोअर बोलते हैं। और उसके लगाने का पर्पस होता है कि बाहर की कोई डस्ट, बाहर के कीड़े, उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े अंदर एंटर ना करें, उनको अंदर एंटर करने से रोका जाए। तो ये तो वर्क होता है ईयर कटर का, लेकिन हमारा टॉपिक ईयर कटर नहीं है। जो टॉपिक है वो है क्रॉस कंटामिनेशन। तो चलिए, अब हम बात करते हैं क्रॉस कंटामिनेशन की। ईयर को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं अपने थ्री ईयर लॉक के थ्रू, जो कि है श्रिंक, बबल और कास्केट। मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि आप इसका आंसर क्या देते हैं। ये तीन टाइप के एयरलॉक होते हैं जिनसे कि हम ईयर कंटामिनेशन या प्रोडक्ट मिक्सअप होने से रोक सकते हैं। लेकिन अब हम बात करें ह्यूमन की, तो चलिए एक आपको अच्छा सा इसका एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप जिस एरिया में वर्क कर रहे हैं वहाँ पर एक्स प्रोडक्ट बन रहा है। आपने क्या किया, अपनी गाउनिंग अस्पर जीएमपी रिप्लेस किया, यानी चेंज की, फ्रेश गाउनिंग डाला। उसके बाद जाके आप नेक्स्ट एरिया में गए जहाँ पर प्रोडक्ट वाई चल रहा है। अब होगा क्या, आपने कपड़े चेंज किए, क्रॉस कंटामिनेशन आपने काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन यदि आपने हैंड सैनिटाइज नहीं किए, फ्रेंड्स सैनिटाइज जो वर्ड है अब तो सभी को समझ आता है, क्योंकि कोविड ने सबको बता दिया कि हैंड सैनिटाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन फार्मास्यूटिकल में तो ये बहुत पुरानी बात है, हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं हैंड सैनिटाइज। तो फ्रेंड्स, हैंड सैनिटाइज करने का पर्पस रहता है हमारे हाथों में जो भी बैक्टीरिया, वायरस या प्रीवियस प्रोडक्ट की डस्ट है, हम उसको क्लीन कर सकें। मान लीजिए आपने हैंड सैनिटाइज नहीं किए, या कर भी लिए तो भी आपके हेयर्स, आपके नाखून या आपकी बॉडी पे कहीं भी डस्ट लगा रह गया, और आप नेक्स्ट प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आ गए, तो क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट के आप कांटेक्ट में आए हो वो कंटामिनेट हो जाएगा। उसको बोलेंगे हम क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन में प्रोडक्ट मिक्सअप होता है, कोई बाहरी डस्ट यदि मिलती है किसी प्रोडक्ट में, या कोई बाहरी इन्वायरमेंटली कुछ आके इस प्रोडक्ट में मिल जाता है, तो हम उसको कंटामिनेशन बोलेंगे, क्रॉस कंटामिनेशन नहीं बोलेंगे। क्योंकि क्रॉस कंटामिनेशन होता है दो प्रोडक्टों के मिलने से। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, टेली कम्युनिकेशन करिए, टेलीफोन से बात करिए, या अदर अदर जो माध्यम उनके थ्रू आप अपने पर्सन से कांटेक्ट करिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप जिस एरिया में वर्क कर रहे हैं उस एरिया से निकल के अदर एरिया में एंटर ना करें, जिससे क्या होगा, क्रॉस कंटामिनेशन को रोका जा सकता है। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो वो होता है जीएमपी,
जीएमपी मीनिंग होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसके अंदर ही आती है आपकी फैसिलिटी, आपकी हाइजीन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत कुछ आता है जीएमपी में। तो फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको प्रॉपर समझा पाया। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस इन्फॉर्मेशंस हर उस पर्सन तक पहुंचे जिसको लगता है कि उसको ये इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। यदि आपका कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ और एडिशनली लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम एक बेटर प्लेटफॉर्म यूट्यूब के थ्रू हम अपने नॉलेज को उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें उसकी आवश्यकता है। फ्रेंड्स, मैं रविंद्र रिलेटेड टू फार्मा, रिलेटेड टू गाइडलाइंस बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।